हाय प्रियम, ऑल एजुकेशन फोरम में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार एसएससी मेंस में जो एग्जाम हुआ था उसका कुछ प्रश्न देखेंगे मैथ और रीजनिंग का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। देखिए बिहार एसएससी मेंस एग्जाम 2020, देखिए रीजनिंग का प्रश्न है। देखिए फर्स्ट आया था 37, उसके बाद 23, उसके बाद 95, उसके बाद डॉट डॉट क्या होगा। इस तरह के रीजनिंग आप देख सकते हैं। 3 के बाद 7 होगा, उसका 23, उसके 95। यहाँ से देख सकते हैं कौन सा सीरीज, 3 × 6 = 2 से गुना करेंगे, उसके बाद प्लस में 1 करेंगे तो 7 आ जाएगा। उसके बाद 7 से, उसके बाद 7 × 21, तो यहाँ 3 से गुना करेंगे, उसके बाद 2 जोड़ देंगे तो 21 × 2 = 23 हो जाएगा। उसके बाद इस तरह के 4 से गुना करके, ये सीरीज देख लीजिए किस तरह का बन गया, 2 से गुना 3 से गुना तक 4 से गुना, उसके बाद यहाँ लिखिए 1 2, उसके बाद प्लस में 3 करेंगे, इस तरह का सीरीज बनते जा रहा है। तो यहाँ भी इस तरह का हो जाएगा 2 3 4, उसके बाद 5 से गुना हो जाएगा और प्लस में 4 हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए प्लस 1 जुटा प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, तो इस तरह का हो जाएगा 95 × 5 तो 5 25, 2 9 45 है 2 47, और प्लस 4 है तो हो जाएगा 479, तो 479 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह की इसको आसानी से बना सकते थे। नेक्स्ट देखते हैं ये रीजनिंग का है, यह आया था 36 है अनुपात 50 है, उसके बाद है समानुपाती 49, उसके बाद अनुपात क्या होगा, यहाँ डॉट डॉट था भाग का निशान था, उसके बाद क्या होगा। देखिए 36 से 50 आया किस तरह, उसी तरह 49 से यहाँ आएगा, तो 36 देखिए 6 का स्क्वायर है ये, तो यहाँ हो जाएगा 6, उसके बाद 50 लिखा है, तो 50 को तो मान लीजिए 8 से गुना करते हैं, उसके प्लस में 2 करते हैं, तो 8 × 6 = 39 हो जाएगा, 2 × 50 हो जाएगा, 50 हो गया, तो इस पर इसको भी उस तरह करेंगे, तो इसका 7 लिखेंगे, 7 का स्क्वायर 49 है, तो इसको 7 लिखेंगे। उसके बाद ये देखिए 6 से 8 से गुना किया, 2 बढ़ा के, तो इसको भी 2 बढ़ा के करेंगे, तो 7 से 9 से गुना हो जाएगा, उसके बाद प्लस 2 करेंगे, तो 7 × 9 = 63, 2 = 65 हो जाएगा, तो इसका आंसर 65 हो जाएगा। इस तरह का रीजनिंग आया था। देखिए उसके बाद आया था एक दर्पण का था, दर्पण प्रतिबिंब बनाना है, दर्पण प्रतिबिंब बताना था दर्पण में, यो था इंडिया था लिखा हुआ, INDIA इंडिया था, और दर्पण कहाँ रखा हुआ था, दर्पण यहाँ रखा हुआ था, इस यहाँ दर्पण रखा हुआ था, तो आपको बताना है इंडिया का प्रतिबिंब कौन सा बनेगा। तो देखिए इंडिया है तो इसको इस तरह पलटेंगे तो ये इधर आ जाएगा IA, अब N है, N को जब इस तरह पलटेंगे तो देखिए ये है तो ये ऊपर आ जाएगा, इस तरह का ये चित्र बनेगा, N के ये इस तरह का बनेगा, और डी है तो डी को पलटेंगे तो डी का डी रहेगा, आई को पलटेंगे तो आई को आई, और ए को पलटेंगे यहाँ से तो ये इस तरह के बन जाएगा ए। तो ये ऑप्शन जो भी था जिसमें भी इंडिया इस तरह का जल प्रतिबिंब ए दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा इसको ये वाला, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या आया था। देखिए एक आया था 30 से 50 के बीच अभाज्य संख्या बताना है, 30 से 50 के बीच अभाज्य संख्या बताना है, अभाज्य संख्या कितनी थी, अभाज्य संख्या 30 से 50 के बीच, तो 30 जो नहीं कटता अगर 30 से 30 को कट जाएगा तो 31 हो जाएगा, जो 31 नहीं कटेगा किसी से, यह अभाज्य संख्या है। उसके बाद क्या हो जाएगा 32 में 33 में 34 35 36 37, तो 37 हो जाएगा, उसके बाद 39 में 41 हो जाएगा, उसके बाद 43 हो जाएगा, उसके बाद 47, ये सब अभाज्य संख्या है। तो कितना हो गया, 1 हो गया 2 3 4 5, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा, कि 30 से 50 के बीच 5 ऐसी संख्या है अभाज्य संख्या जो किसी से नहीं कटता है, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा गया था। एक चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 लाख का 9 महीना था, 9 माह दिया हुआ है, अब दर दिया हुआ है 4%,
4% के प्रति दर के आपको ब्याज बताना है कितना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, क्या होगा जबकि ब्याज तिमाही हो, जबकि जबकि ब्याज तिमाही हो, तिमाही हो तो इसको क्या किस तरह बनाएंगे। 1,00,000 का 9 महीना दिया हुआ, 10% प्रति ब्याज से चक्रवृद्धि क्या होगा जबकि ब्याज तिमाही हो। तो तिमाही के लिए देखिए 3-3 महीना पर, तो 12 महीना होता है तो 3 × 12 हो जाएगा, 3-3 महीना पर हो जाएगा, देखिए तो 4 बार होगा, तो ये 4 आ गया, 3-3 महीना पर 4 बार देगा ब्याज, तो ये 4 जो है इस समय से गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 9 × 36, तो 36 माह हो जाएगा बराबर 3 वर्ष, तो ये यहाँ से वर्ष आ गया, उसके बाद ये इसमें भागा हो जाएगा, यहाँ समय में गुना होता है और दर में भागा होता है, तो 4/4 1% की दर से, तो आसानी से निकाल सकते हैं 1,00,000 दिया हुआ है और 3 वर्ष है तो 1% दर से आप निकाल सकते हैं इस तरह के भी, 1+ दर / समय पर इस तरह निकाल सकते हैं आसानी से, ये बन जाएगा। तो एक और इसको शॉर्ट ट्रिक है, देखिए इस तरह के बना सकते हैं, मान लीजिए 1,00,000 है और दर दिया हुआ है 1% दर से 3 वर्ष में, तो इसका 1% निकालेंगे तो हो जाएगा 1,000 हो जाएगा, उसके बाद फिर 1,000 का निकालेंगे 1% क्योंकि 3 वर्ष में पूछा गया है, तो ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, और फिर हो जाएगा 10 का फिर 1% निकालेंगे क्योंकि ब्याज ऊपर ब्याज चलता है इसमें, तो इसका 1 0 हो जाएगा, तब 0.1 हो जाएगा, 3 वर्ष के निकालेंगे तो 3 वर्ष में क्या होता है 1 वर्ष में 100 गुना और 2 वर्ष में जाएगा 2.1 से गुना, 200 गुना 300 गुना और 300 गुना 2, 1, 3 और 3 इस तरह का ये हो जाएगा, ये 300 गुना हो जाएगा, ये 300 गुना और ये 100 गुना, तो इसका हो गया 3,000 हो गया, इसका ये 30 हो गया, ये 0.1 हो जाएगा, 0.1 तो जोड़ेंगे 30 आ जाएगा 0.1, इसका आंसर ये हो जाएगा। इस तरह बना सकते हैं, ये सूत्र पर भी आप बना सकते हैं, इसको आसानी से बन जाएगा। मेन था इसमें यह था कि तिमाही दिया तो आपको बदल लीजिए, उसके बाद जो फॉर्मूला है चक्रवृद्धि ब्याज का उसको आप लगा दीजिएगा, आसानी से बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक था चित्र में कि कौन सा कितने वर्ग है, एक पूछा गया था कितने वर्ग है, इस तरह का दिया था, इसमें पूछा गया था कि कितने वर्ग है, इस तरह का था, उसके बाद इसको ऐसे मिलाया था, इस तरह इसको ऐसे मिल जाएगा, उसको ऐसे इसमें पूछना बताना आपको कि कितने वर्ग है। तो देखिए वर्ग कहाँ कहाँ, एक हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 6 तो इजी हो गया, उसके बाद एगो ये वाला हो जाएगा, यहाँ से ये मिलेगा 7 हो जाएगा, एगो अंदर वाला था ये 8 हो जाएगा, तो इसका आसान 8 हो जाएगा, इसको आप आसानी से बना सकते थे। तो नेक्स्ट देखते हैं, एक नेक्स्ट था देखिए कि प्लस का मतलब रीजनिंग क्वेश्चन है, प्लस का मतलब था दिया हुआ था भागा, और माइनस का दिया हुआ था गुना, और भागा का दिया हुआ था, इसमें भागा का दिया हुआ था प्लस और गुना का माइनस दिया हुआ था, गुना का मतलब था माइनस, तो आपको बताना था कि कौन सा सही है, तो इसमें ये सही था आंसर, ये दिया हुआ था इसका 30 × 12 × 4 + 8 − 6 इसका क्या होगा, तो 30 के 30 लिख देंगे यहाँ, देखिए भागा का मतलब क्या दिया हुआ, तो भागा का दिया हुआ है यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, यहाँ गुना है तो गुना क्या है माइनस लिखेंगे, प्लस है प्लस का मतलब भागा था तो भागा लिखेंगे, माइनस है तो माइनस में जाएगा गुना लिखेंगे, इस तरह का ये हो गया। अब इसको हल कर दिए, 30 के 30 लिखेंगे, पहले भागा होगा उसके बाद गुना उसके बाद जोड़ उसके बाद घटाओ, तो ये इसको 12 लिखेंगे, -4 भागा है तो इसको 8 कर सकते हैं नीचे, गुना में गुना जाए तो 4 × 2 = 8 हो जाएगा और 2 × 3 = 6 हो जाएगा, 3 इधर आ गया, 30 × 12 कितना हो गया, तो 42 हो गया, -3 तब इसका हो गया 39 आंसर, इस तरह के इसको आप बना सकते हैं आसानी से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका 39 आ जाएगा, चलिए एक देखते हैं, क्रैमर से क्वेश्चन आया था,
एक क्रेमर विक्रेमर सा की पेट्रोल की कीमत देखिए दिया हुआ है कि पेट्रोल की कीमत 75.50 पैसे प्रति लीटर थी। पहले कीमत में 20 पैसे की वृद्धि किया जाता है। देखिए पहले कीमत में 20 पैसे की वृद्धि हो गया कुछ रहा बोल रहा, उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद 10 पैसे कमी कर दिया, उसके बाद 10% की कमी करते हैं तो मूल्य क्या होगा। पेट्रोल का कीमत बताना है करते हैं तो पेट्रोल का कीमत बताएं। देखिए तो 75 है लीटर थी और उसके बाद 20 पैसे वृद्धि किया, उसके बाद 10 पैसे कमी कर दिया तो उसके बाद कितना कीमत होगा। देखिए 75 × 75 उसके बाद 20 पैसे वृद्धि की है तो 20 पैसे वृद्धि किया तो 120/100 करेंगे, उसके बाद 10 पैसे कमी किया तो 10 पैसे कमी किया तो इसको 90/100 कर सकते हैं आसानी से। अब इसको दशमलव हटा दीजिए तो 75/50 हो गया, उसके बाद ये डबल जीरो बैठा देंगे 120 के 120 लिख देंगे 100 हो जाएगा, ये 90 के 90 हटा दिए 100 हो जाएगा, कुछ नहीं किए खाली दशमलव हटा के या जीरो बैठाएँ तो आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 से 2 10 कट गया, 5 का 5 25 ये और 2 6 12 तो बस 151 × 6 × 9 × 100 इसको आप कर सकते हैं। तो देखिए तो 6 9 54 54 का 54 तो इकाई का अंक 4 हो गया और दशमलव देखिए तो यानी 2 के बाद दशमलव है कुछ इसमें और अंक आएगा तो लास्ट में जो जिसमें 4 रहेगा ना वो आंसर इस तरह का आ सकता है तो इसको आप गुणा भी कर सकते हैं आसानी से, इस तरह का बना सकते हैं गुणा कर देते हैं। देखिए 9 6 54 हो गया तो 151 54 गुना करते हैं तो 4 5 6 20 2 बच गया 4 2 6 5 5 25 2 5 2 7 तो 4 हो जाएगा 5 6 5 11 7 1 8 उसके बाद 2 2 0 है तो दशमलव उठाए 2 0 बाद तो 81/54 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें पूछा गया था कि दो संख्या तीसरी संख्या से 20% और 25% छोटी है। एक संख्या था जो तीसरी संख्या से तो मान लीजिए ए बी सी वो रहा कि तीसरी संख्या से 20% और 28% छोटी है तो ये वो संख्या मान लीजिए 100 माने तो इस ये 20% छोटी है इससे हो जाएगा 80 और इससे जो 20 छोटी है 28% तो हो जाएगा 72 हो जाएगा। एक क्या बोल रहा है कि पेट्रोल की दो संख्या तीसरी संख्या से 20% कम है उसके बाद 28% कम है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट कम है तो ये 8 कम है उसके बाद 100 उसके बाद बटा में 80 कर देंगे तो 1 8 8 तो 10% छोटी है इसका आंसर 10 हो जाएगा। देख सकते हैं आसानी से इसको बना सकते हैं आप। देखिए ये एक रिलेशन का था, क्वेश्चन दिया हुआ था कि एल माता है एम का, एम की माता है, एल जो माता है एम की, अब एल पुत्र है एल का और यू भाई है भी के, यू भाई है भी का उसके बाद भी पुत्री है इसका एम की तब यू की माता कौन है, यू की माता कौन है। देखिए एल माता है एम की तो मान लीजिए एल मान लेते हैं एल माता है एम की इसकी एम की माता है एम के माता है ये एल माता है एम की उसके बाद
एन पुत्र है एल का, एल के पुत्र है एन, ये भी पुत्र हो गया, ये भी पुत्र हो गया, ये दोनों है। उसके बाद यू भाई है भी की, अब भी का पुत्र है एल, एल पुत्री है एल का, यू भाई है भी का, अब भी पुत्री है एम के, भी जो पुत्री है एम के पुत्री है, तो एम के पुत्री है भी, एम के पुत्री है भी। यहाँ एल का भाई यू भाई है भी के, यू भाई है भी के, भी के भाई है यू, यू भाई है। अब क्या पूछ रहा है, तो यू की माता कौन है, ये दोनों भाई हो गया तो इसकी माँ कौन, इसकी माँ ये हो गया तो इसकी माँ ये हो जाएगा एम, इसका आंसर एम हो जाएगा। इस तरह इसको बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, देखिए नेक्स्ट पूछा है, एक ये था रीजनिंग का, इस तरह का दिया हुआ था, इस तरह का बनाया गया था ये चित्र, उसके बाद ये खड़ा किया था इस तरह का, इसको इस तरह का बनाया गया था, उसके बाद इस तरह का चित्र बनाया गया था। तो पूछ रहा है कि अगला क्या होगा, तो मान लिया देखिए यहाँ से इस तरह का चित्र बना था, यहाँ पर भैट का निशान था, तो अगला संख्या पूछ रहा था, तो ये देखिए यहाँ है, उसके बाद ये यहाँ आ गया, यहाँ था उसके बाद यहाँ आ गया, देखिए उसके बाद यहाँ आ गया, तो उसके बाद ये वाला सिर्फ ये को देख रहे हैं, इतना को मान रहे हैं, तो ये था यहाँ सामने, तो उसके बाद यहाँ आ गया, देखिए उसके बाद यहाँ आ गया, तो उसके बाद यहाँ आ गया, तो अगला में इस तरह के आप बना सकते हैं, ये यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा, खड़ा हो जाएगा, खड़ा में ये यहाँ आ जाएगा, इस तरह के आप इसको इसे पलटेंगे तो ये इस तरह के इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। उसके बाद क्या पूछा, ये देख रहे ये इस तरह के इधर आया है, ये इधर आ गया, तो यहाँ से ये इस तरह के बन जाएगा, इसका इस तरह का हो जाएगा, देखिए इसे इस तरह का घूमते हुए आ रहा है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, जिसमें ऑप्शन था वो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, एक विद्यालय के कैंटीन में 20 रुपया तथा दूध के 4 पर प्रतिदिन चार्ज लगती है, एक कैंटीन में, एक कैंटीन में लंच के लिए, लंच के लिए 20 रुपये लगती है, और दूध के लिए 4 का प्रतिदिन 4 रुपये लगता है, दूध के लिए प्रतिदिन, प्रतिदिन पूछ रहा है कि 5 दिन में खर्च बताना है आपको, 5 दिन में कितनी खर्च हो जाएगा, तो 5 दिन का खर्च बताना है आपको। देखिए तो एक दिन का खर्च कितना हो गया, 20 रुपये लंच के हो गया, 5 4 रुपये ये, तो 20 4 24 रुपये हो गया, 20 4 24 रुपये हो जाएगा एक दिन का, और 5 दिन का है तो 24 रुपये कितना हो गया, 14 5 24 हो गया, सॉरी 24 5 20 को दिखा दो 5 10 दो 12 120, इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह आप इसको बना सकते हैं, ताकि एक दिन का 20 रुपये का लंच का, 4 का दूध का 24 रुपये, तो 24 5 120, इस तरह इसको समय से बना सकते हैं। देखिए एक आया था कि इंडिया को, देखिए इंडिया को क्या लिखा है, 37 लिखा है, 37 लिखा है, तो जापान को क्या लिखेंगे, जापान को क्या होगा, तो देखिए ये दोनों ये सब को अल्फाबेट को जोड़ दिया, देखिए आई का 9 हो जाएगा, एन का 14 हो जाएगा, और डी का 4, और फिर आई है इसका 9, उसके बाद एक एक का एक देखिए जोड़ दिया, 9 9 9 18 18 1 19 19 4 23 23 4 27 के साथ हाथ में 2 2 1 3 सब पे जोड़ दिया, तीसरे को अब जोड़ देंगे, जे को हो जाएगा आई जे, तो यानी 10 हो जाएगा, एक का एक पी को हो जाएगा 16, एक का एक 4 का 14 हो जाएगा, 6 4 10 2 12 2 1 1 2 3 4, तो 42 इसका आंसर हो जाएगा, 42 जापान को 42 लिखेंगे। इस तरह आप इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डार्क, ये था क्वेश्चन कि डार्क डी ए आर के डार्क, डार्क को 17 लिखा गया है, 17 लिखा गया है, तो सॉफ्ट को क्या लिखेंगे, सॉफ्ट को क्या लिखेंगे, इस तरह का बताना है,
देखिए 17 कैसे आया, यहाँ देखिएगा तो डी की जगह पर चार मान लीजिए, डी ए का एक हो गया, आर एस आर का हो गया 18, अब के के का क्या होता है अगर, तो के का हो गया, के का 12 हो गया, के जे के एल एम 11 हो गया, के का 11 तो ये हो गया 8 4 12 13 14 4 एक दो 34 आता, जोड़ने पर इसका 34 आता है, तो 17 किया तो 2 से भागा किया होगा तभी तो 17 आया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ओ पी क्यू आर एस टी एस आता है 19 पर, ओ आता है 15 पर, एफ आता है 6 पर, टी आता है 20 पर, तो 9 6 15 5 20 तो 2 जगह 2 2 4 2 6 तो 6 से इधर 2 से भागा करेंगे उधर किया तो इसका आंसर 30 हो जाएगा, इसका 30 हो जाएगा। इस तरह का रीजन बिहार से पूछा गया था। देखिए नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछा गया था, 11 है, 11 उसके बाद 13 उसके बाद 20 उसके बाद 15 17 उसके बाद 20 उसके बाद 19 उसके बाद डॉट डॉट क्या होगा। देखिए 13 15 11 13 20 15 17 20 19 उसके बाद क्या होगा, तो यहाँ देखिए 11 से 13 बढ़ा है, 2 प्लस छूटा है, यहाँ तो नहीं बढ़ा, यहाँ देखिए 15 2 17 हुआ है, तो यहाँ एक छोड़ दिया गया है, तो यहाँ भी एक छोड़ दिया गया, तो 19 2 21 हो जाएगा, प्लस 2 करेंगे तो 21 हो जाएगा, इस तरह के सीरीज बनते गए, 11 2 13 15 2 17 17 19 2 21 अब 20 के 20 छोड़ दिया गया है, 2 संख्या के बाद 20 आता है तो मान लीजिए उसके बाद 20 आ जाएगा, इसका 21 आ जाएगा उसके बाद 20, तो इसका आंसर कुछ आता है 21 आ जाएगा इसका आंसर। देखिए ये रीजन का पूछा गया था, ये 6 बटे 7 5 बटे 6 7 8 3 4 इसमें सबसे छोटी भिन्न पूछा, सबसे छोटी पूछा, बड़ी पूछा, सबसे बड़ी भिन्न पूछा, सबसे बड़ी बड़ी भिन्न बताना है आपको भिन्न क्या है। तो देखिए सबसे पहले इसमें अंतर देख लीजिए, सबका सेम अंतर रहेगा तो जो बड़ा संख्या है वो बड़ा रहेगा, 6 1 7 5 1 6 7 1 8 3 1 4 इसका एक का अंतर है, इसलिए जो बड़ा संख्या रहेगा ये बड़ा हो जाएगा, इसका अंतर 7 8 हो जाएगा, नहीं तो आप इसको भागा देकर भी इसको कर सकते हैं आसानी से, लेकिन अंतर इसमें एक रहेगा तो ये जो बड़ा रहेगा बड़ा हो जाएगा, जो छोटा रहेगा वो छोटा हो जाएगा, इस तरह इसको आसानी से बना सकते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक आया था देखिए x बराबर 2 तथा y बराबर 3 था, तो तब x के पावर y का मान पूछा था, इतना का मान क्या होगा। देखिए x बराबर 2 दिया हुआ, y बराबर 3, तो इतना का मान, तो x y का पावर पूछा, x का मान 2 बैठाएंगे, y का जगह 3 बैठाएंगे, तो 2 को 3 से गुणा, 2 बार 3 बार गुणा करेंगे तो 2 4 4 2 8, इसका आंसर 8 हो जाएगा। तो इस तरह का आप इसको आसानी से बना सकते थे। तो आज के लिए इतने, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तब तक के लिए धन्यवाद।